भारतीय जनता पार्टी की हम तो इसे निष्क्रियता मानेंगे या भ्रष्टाचार जो भी हो। आज अधिकारी इतने निडर और बेखौफ हैं कि चाहे जितना उन पर दबाव बना लो लेकिन उनको जो करना होता वही कर रहे हैं। न तो सीवर की व्यवस्था सुधरी है और न पानी पूरी तरह सभी को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। स्मार्ट सिटी को लाइट नहीं देना थी, मेंटेनेंस नहीं कराना था, तो आपको समय पहले ही टेंडर कर देना था। पूरे वार्ड 66 वार्डों में कई गलियां हैं जो अंधेरे में पड़ी हैं, एक एक दो दो तो जगह जगह बंद हैं और इससे बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि कुछ इवेंट करते हैं, श्रेय लेते हैं, काम नहीं होने देते। कि आज तक उन दोनों मुद्दों को भी अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी श्रेय की राजनीति के कारण। उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने कहा कि इसकी घोषणा हम चुनाव के एक दिन पहले करेंगे, तब तक इसको रोका जाए। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइटें भी तब आएंगी जब शिवराज सिंह जी को समय मिल जाएगा, मेला ग्राउंड में आएंगे और वो कहेंगे देखिए मैं लाइट की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो ये हालत है इनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह ग्वालियर में मौजूद हूँ। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, विधानसभा परवान पर है। लाजमी है कि चुनाव के मद्देनजर सरगर्मी भी बढ़ गई होगी। इसी मद्देनजर हम ग्वालियर में पहुंचे हैं और ग्वालियर में समस्याएं बहुत हैं, तो लाजमी है कि उसके लिए जनप्रतिनिधियों से बात भी करनी होगी। हमारे साथ वार्ड नंबर 5 के पार्षद पीपी शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी मुश्किल हो रही है, क्या परेशानियाँ हो रही हैं, वार्ड में परेशानियाँ हैं भी या बिल्कुल नहीं हैं, क्या समस्याएं, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है और बधाई भी कि 52 साल बाद नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस का मेयर बना है, उसके लिए बधाई। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समस्याएं कितनी विकराल हैं निगम में, आपकी सरकार बनने के बाद कोई फायदा है या मशक्कत लगातार कर रहे हैं काम कराने के लिए? ये लगातार हम लोगों को मशक्कत इसलिए करना पड़ रही है कि पिछले 20 साल से, बल्कि निगम में तो पिछले 57 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है जी। और आप ये देख ही रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की हम तो इसे निष्क्रियता मानेंगे या भ्रष्टाचार जो भी हो। आज अधिकारी इतने निडर और बेखौफ हैं कि चाहे जितना उन पर दबाव बना लो लेकिन उनको जो करना होता वही कर रहे हैं। उसी का कारण है आज हमारे यहाँ 800 करोड़ की परियोजना आई, अमृत योजना आई, और पूरे शहर में अमृत योजना का लाभ ये था कि सीवर लाइन सुगम उससे चलेंगी, कहीं कोई असुविधा नहीं होगी, और स्वच्छ पेयजल हम 24 घंटे सातों दिन और 3 मंजिल चढ़ा के देंगे। उस योजना पर 800 करोड़ रुपए आया और 800 करोड़ योजना पर खर्च भी हुए। खर्च होने के बाद स्थिति ये है जहाँ की तहाँ है, न तो सीवर की व्यवस्था सुधरी है और न पानी पूरी तरह सभी को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। जगह जगह बदबूदार पानी है, कई लाइनें जुड़ी नहीं हैं, कहीं सीवर की लाइन टूटती है उसकी बदबू आ रही है, गुणवत्तापूर्ण किन्ने काम नहीं कराया। उन कमियों के कारण आज शहर अमृत योजना के माध्यम से खोद के फेंक दिया गया है, रिस्टोर किया नहीं गया है। पूरी स्थिति इसलिए पूरा शहर बदहाल और परेशानी है, और मेरे वार्ड में भी वही स्थिति है। चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, समस्याएं बढ़ेंगी तो लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, ऐसे में अगला चुनाव हुआ या चूँकि जनता से आप मिलते हैं तो इन समस्याओं का इलाज क्या होगा, इन समस्याओं का जवाब क्या होगा? इन समस्याओं के इलाज के लिए जो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, हम उसी हिसाब से नगर निगम आयुक्त पर दबाव बना रहे हैं और आंशिक सफलता भी मिल रही है। हम उस काम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे भी करेंगे। और ये जनता तो अब समझ रही है, जनता को हम अवगत भी करा रहे हैं कि देख लीजिए आप, हमारे यहाँ लाइट का मुद्दा है। आप देखिए, जब आपके यहाँ स्मार्ट सिटी को लाइट नहीं देना थी, मेंटेनेंस नहीं कराना था, तो आपको समय पहले ही टेंडर कर देना था जी। आज ये हालत है, पिछले 3 महीने से बिजली के लाइन का मेंटेनेंस काम के नाम पर कोई बल्ब राइडर या कुछ भी जो होती है, जो एलईडी लगी हैं उनको बदलने के लिए कोई सामान नहीं दिया रहा है। उसकी वजह से पूरे वार्ड 66 वार्डों में कई गलियां हैं जो अंधेरे में पड़ी हैं, एक एक दो दो तो जगह जगह बंद हैं और इससे बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। बरसात का सीजन है, सांप बिच्छू और कई तरह के जानवर निकलते हैं, इससे बच्चे भयभीत हैं। तो ये हालत है इनकी निष्क्रियता का, अधूरता का कारण ये है कि ये अगर स्मार्ट सिटी इसको नहीं कर रही थी तो नगर निगम को तत्काल तभी टेंडर करना था जिससे इस असुविधा से बचा जा सकता था।
अच्छा एक सवाल ये भी बताइए कि 57 साल बाद यहाँ आपका मेयर बना है और इसके पहले भाजपा का मेयर था, तो काम करने में समस्या आ रही है। मुझे तो यह भी पता चला कि आपका जो मेयर है उसको भी कभी कभी धरने पर बैठना पड़ता है क्योंकि काम नहीं होता है, क्या है ये मसला? उसकी वजह यह है कि हम 57 साल की इसलिए जीते थे कि हमने जब चुनाव लड़ा तो चुनावी एजेंडे में हमने ये किया था कि गार्बेज शुल्क बहुत ज़्यादा थोपा गया है शहर में जी। एक मकान पर अगर 1200 रुपये ले रहे हो तो उसमें 1200 रुपये तो कचरा गाड़ी भी तो आना चाहिए जी। तो इसलिए कहा था कि इसको हम कुछ कम करेंगे, तो हमने चुनावी घोषणा पत्र में संकल्प पारित किया था। इसके बाद हमने ये कहा था कि 2020 तक के जो नल के बिल हैं उनको हम माफ़ करेंगे ताकि जो नए बिल हैं वो नियमित जमा होने लगें तो ये समस्याओं से बचा सके। ये दोनों घोषणाएँ करने के बाद हमारी नगर में सरकार भी बनी। सरकार बनने के उपरांत हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र के अनुसार हमने क्या किया, उन संकल्पों को पारित किया, गार्बेज शुल्क को युक्तिकरण किया और पानी के बिल को माफ़ करने की दोनों के संकल्प पारित करके MIC के माध्यम से कमिश्नर के पास भेज दिया है कि इनको परिषद में कराया जाए और इसको अमली जमा पहनाया जाए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उन दोनों मुद्दों को भी अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी श्रेय की राजनीति के कारण। इस संबंध में ऊपर भी निगम के जो नगर मुख्य आयुक्त है वहाँ पर मुख्य सचिव, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि तो नगर निगम काम है हमारा कुछ नहीं है। तो इस पर बताया जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने कहा कि इसकी घोषणा हम चुनाव के एक दिन पहले करेंगे, तब तक इसको रोका जाए। इसीलिए हमारे मेयर को धरने पर बैठना पड़ा है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नगर का मेयर आज धरने पर बैठना मजबूर हो रहा है। तो क्या ये पूरी लड़ाई जो है वो शुद्ध रूप से भाजपा बनाम कांग्रेस है? हाँ, हमारे यहाँ क्या है, भारतीय जनता पार्टी का काम इवेंट है जी। काम कम करती है, इवेंट ज़्यादा करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइटें भी तब आएंगी जब शिवराज सिंह जी को समय मिल जाएगा, मेला ग्राउंड में आएंगे और वो कहेंगे देखिए मैं लाइट की व्यवस्था कर रहा हूँ, 70 साल से लाइट की नहीं थी, अब शहर उजाले में रहेगा, ये शिवराज सिंह की घोषणा है। मैं समझता हूँ उसी का इंतज़ार है, क्योंकि जो इवेंट करते हैं, श्रेय लेते हैं, काम नहीं होने देते। ये PP शर्मा थे जो यहाँ से वार्ड नंबर 5 से पार्षद हैं, ये साफ साफ कह रहे थे कि भाजपा का काम है इवेंट का काम है, जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ किसी दिन किसी कार्यक्रम के तहत आएंगे तब बताया जाएगा कि पूरे शहर को उजाले से भर दिया जाएगा, ये पूरा भाजपा इवेंट पे चलती है। आप बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।